Assalamualaikum dear students, welcome to Punjab Technical and Science Academy. मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील. स्टूडेंट्स, हम डीई मैथ 212 चैप्टर नंबर 6 मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन रैशनलाइज एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल x माइनस 1 डिवाइड बाय x square minus 2x plus 3 ठीक है into मतलब dot dx. अब first of all let कर लिया हमने integral x minus 1 divide by whole divide by x square minus 2x plus 3 dot dx ठीक है. अब इस question को आप थोड़ा सा सोचें कि हम क्या कर सकते हैं. इस तरह करेंगे, मैं बताता हूँ आपको कि आप लिखें यहाँ पर integral में 1 divide by x square minus 2x plus 3 को लिख ले, पावर नीचे कितनी है इसकी 1 है, ऊपर ले जाना है बेवकूफी होगी क्योंकि पावर अगर ऊपर लेके गए और अगर इस पे पावर उन लगी तो पावर में हम एक क्या कर रहे होते हैं, ऐड करते हैं ना, ऊपर जाके पावर माइनस 1 हुई तो प्लस 1 कर देंगे, 0 हो जाएगी, तो हम इसको वैसे नहीं ले जाएंगे, इसके लिए अलग रूल होगा. बट आपको इसके साथ ही इसकी आप बेस पावर 1 है ना, तो आपको बता दूं कि इसमें सॉरी एक मिनट लगेगा, इंटीग्रेशन के अंदर 1 ओवर x की पावर 1 हो और इसके साथ ही यहां पर इसकी बेस का डेरिवेटिव 1 भी हो रहा हो और डॉट dx हो, तो आप इसको क्या लिखते होते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस कांस्टेंट में लिखते हैं. तो अब इस बात को यहां पर अंडरस्टैंड करें कि x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 जो है ये सारा x ही है, तो हम यहां पर इसका डेरिवेटिव लेकर देखेंगे कि क्या इसका डेरिवेटिव x माइनस 1 आता है. आप देखेंगे यकीनन ये नहीं होगा और जिसकी कमी होगी हम पूरी कर लेंगे ठीक है. x square minus 2x plus 3 का पहले हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ dx x square का अलग से minus d divide by dx into 2x का अलग से और प्लस, अगर आप डेट कर सकते हैं तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज चेक ना कीजिएगा गलती हो जाएगी ठीक है. पावर शुरू में पावर में से एक कम और बेस का डेरिवेटिव x का 1 हो गया माइनस कांस्टेंट शुरू में x का डेरिवेटिव 1 प्लस 0 जैसे ये हो गया तो 2x माइनस 2 हो गया और आप 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 आ जाएगा. देखिए x माइनस 1 मौजूद है, कमी किसकी है हमारे पास, 2 की कमी है. तो हम यहां पे क्या करते हैं, हम i लेट किया हुआ है ना, तो हम यहां पर देखें 2 से मल्टीप्लाई करना है, 1 डिवाइड बाय 2 कर दिया इंटीग्रल 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, जो भी वैल्यू होगी अब ये नेचुरल लॉग में जाएगी क्योंकि यहाँ पे इसके साथ इसकी बेस का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है ठीक है. तो अब हम इसको क्या लिखने वाले हैं, हम इसको लिखेंगे 1 डिवाइड बाय 2 और नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, क्योंकि आपने भी देखा कि ये जो बेस में वैल्यू दी गई है इसका साथ डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा था, तो आगे सब प्लस साथ आ जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है. अच्छी तरह से आपने इस क्वेश्चन को समझना है और फिर इसकी प्रैक्टिस भी करनी है. उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह के लिए कमेंट कीजिएगा. आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.